नवंबर दिसंबर के मध्य मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी में जुट चुकी है। उनके गृह जिले सीहोर में कांग्रेस का ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। इस काम को कमलनाथ ने अपने हाथों में लिया है और वे लगातार सीहोर जिले में अपनी आमद दे रहे हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गौरतलब है कि पूर्व सीएम कमलनाथ बीते दिनों भी सीहोर जिला मुख्यालय पर आम सभा कर भाजपा को घेर चुके हैं, तो एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ संविधान बचाओ सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की आष्टा विधानसभा में सभा कर गर्जेंगे। लिहाजा कमलनाथ के 15 अप्रैल को आष्टा विधानसभा में कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आष्टा पहुंचकर कमलनाथ की सभा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और सीहोर के विकास पर सवाल या निशान लगा दिया। 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, अभी बहनों की याद नहीं। अब चुनाव आ गए हैं, वोट चाहिए। इस देश में 50% आबादी महिलाओं की है, तो शिवराज चौहान ने लाडली बहना 1,000 रुपये देंगे। अरे तो वो कमलनाथ है जिसने 27 लाख किसानों का कर्जा 11,500 करोड़ माफ़ किया। ये हमारी सरकार जब गई दिल्ली से 400 रुपये की गैस की टंकी आती थी, आज 1200 की टंकी है। 800 तो आपने वही निकाल लिया मेरी बहन की जेब से। तेल दाल शक्कर हर चीज़ महंगी है, मतलब 2,000 रुपये महीना मेरी बहन की जेब से निकाल रहे हो और 1,000 डाल रहे हो। अरे वाह वाह मेरी लाडली बहना, ये तुम्हारी चोरी शिवराज हर महिला समझती है। इधर से छुरा रहे हो पैसा, वो आधा पैसे दे रहे हो। कमलनाथ पे विश्वास है, 1500 रुपये लाडली बहना को देंगे और गैस की टंकी 500 रुपये में देंगे। सब आ रहे हैं, फॉर्म अभी भरा जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी आई कांग्रेस की? 150 जी का दौरा कार्यक्रम है और ये दौरा साधारण नहीं है, ये अनुसूचित जाति विभाग के लिए रिजर्व सीट है। आष्टा विधानसभा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन पूरा देश पूरा विश्व मनाता है। सीधे महू से माल्यार्पण करके कमलनाथ जी आष्टा आ रहे हैं। संविधान बचाओ सभा बात गुटबाजी किस दल में नहीं है। जिनके मन में संविधान बचाओ, बाबा साहब के अंबेडकर के विचारों को और फैलाओ, वो सारे लोग एकजुट हैं। वो सारे लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे और ये वक्त की मांग है इस समय कि जिस तरह लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज कर रहे हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, बाबा साहब के चरणों में शीश नवाने तो मोदी जी भी जाएंगे, शिवराज भी जाएंगे, लेकिन उनके लिखे हुए संविधान को तार तार करने का घिनौना षड्यंत्र भी भारतीय जनता पार्टी कर रही। इसलिए आष्टा में संविधान बचाओ सभा का आयोजन। लेकिन साहब जिस तरह से आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ महू से सीधे 14 अप्रैल को आष्टा आएंगे और संविधान बचाओ सभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News सीहोर।